हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम डिफरेंशिएशन में हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन जैसे कि बच्चों की डिमांड है और कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स बेसिक से स्टार्ट करें। तो आए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स HOD, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका पहला डेरिवेटिव आपने देखा होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है d dx ऑफ y इज इक्वल टू, और उसको यहाँ लिखेंगे आप एफ डैश एक्स। अब जो इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका सेकेंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दिस डेरिवेटिव इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। अब इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो होगा डी डी एक्स, डी वाई डी एक्स, जिसको आप कहते हैं डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये जो डेरिवेटिव है इसका भी डेरिवेटिव, मतलब इसका भी डेरिवेटिव, तो इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप ये मत सोचें कि डी एक्स इंटू डी एक्स होगा तो डी एक्स होल स्क्वायर लिखेंगे, ये केवल नोटेशन है। और पढ़ते कैसे हैं इसे, पढ़ते हैं इसे डी टू, डी टू वाई बाय डी एक्स टू या डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये इसका एब्रीविएशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको पढ़ने का तरीका, इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स का भी एक बार और डिफरेंशिएशन करना, और यहाँ पर उसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो उसे हम एफ डबल डैश एक्स से डिनोट करेंगे। एफ डबल डैश एक्स मतलब एफ एक्स का पहला डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और फिर उसका दूसरा वाला जो डेरिवेटिव होगा वो एफ डबल डैश एक्स होगा। तो तीसरा भी आप समझ गए होंगे कि तीसरा फिर क्या होगा, द थर्ड विल बी डी डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाय डी एक्स टू, इसको डिनोट करेंगे डी थ्री वाई बाय डी एक्स थ्री से, और एफ ट्रिपल डैश एक्स कहेंगे इसको, एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स। ये कौन सा डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ऐसे ही फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर, डी फाइव वाई बाई डी एक्स फाइव, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी बोल सकते हैं, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर, डी फाइव वाई बाई डी एक्स फाइव, एंड सो ऑन। जितने अपने को निकालना हो, जितना आपको क्वेश्चन में दिया हो उतने तक आप जा सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, एंड सो ऑन, और निकालते जाएं। इसको आप दूसरा नोटेशन है इसको डिनोट करने का, फर्स्ट ऑर्डर को मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, जो फर्स्ट ऑर्डर है उसको वाई वन भी लिख सकते हैं, उसको वाई डैश भी लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो, उसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, उसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर को वाई टू लिख सकते हैं, वाई डबल डैश लिख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिख सकते हैं, और एफ डबल डैश एक्स लिख सकते हैं, ऐसे ही थर्ड को लिख सकते होंगे। तो आप इस तरीके से आगे की निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लें आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए कि हमको दिया है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और हमें पूछेंगे कि फाइंड डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री। क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में, फाइंड डी थ्री वाई बाय डी एक्स थ्री। डी थ्री वाई बाय डी एक्स थ्री मतलब इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे आप, इसको तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे
डी डी एक्स ऑफ वाई, तो इधर भी आप डी डी एक्स ऑफ लिखेंगे इसका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और वो हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस जीरो। प्लस जीरो नहीं लिखे तो चलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब उसका भी डेरिवेटिव किसका, जो डी डी एक्स उसका जो डी वाई बाई डी एक्स था, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका भी डी डी एक्स, तो डी डी एक्स होगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का। तो इसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास थ्री एक्स स्क्वायर का सिक्स एक्स प्लस टू। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री होगा डी डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ ये जो सिक्स एक्स प्लस टू है इसका डिफरेंशिएशन, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यही है सिक्स एक्स प्लस टू, तो इसका डेरिवेटिव होगा सिक्स इंटू वन प्लस जीरो। तो ये आपका आंसर आ गया, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री इज सिक्स। अब इसका फिर अगर आप डिफरेंशिएशन करते तो फिर इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से डेरिवेटिव आगे के निकाल सकते हैं। अब कुछ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, जिसमें आपको काफी समझने को मिलेगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, एक्स क्यूब लॉग एक्स ये दिया है, और हमें प्रूव करना है, इंप्लाइज मीन्स प्रूव दैट डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर इज सिक्स अपॉन एक्स, ये प्रूव करना है। अब हम देखें इसमें कई आपको डेरिवेटिव्स कंटिन्यूसली निकालने पड़ेंगे तो और कंसेप्ट आपका बनेगा। तो पहला डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बहुत अच्छे से लिखा है ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, प्लस एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। आप ध्यान से देखें, एक्स क्यूब का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स कॉन्स्टेंट बेस ई है, एक्स क्यूब लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, कैंसिल कर दें आप, थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब आप समझ गए होंगे कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पार्ट में फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले पार्ट में फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो पहले पार्ट में मींस ये वाले पार्ट में, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हुआ डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें प्रोडक्ट टूल लगाएं फर्स्ट सेकेंड, और इसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये प्लस में, तो सिंपली डिफरेंशिएट होगा, थ्री बाहर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, लॉग एक्स कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट लॉग एक्स का वन बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, ये इस एक्स से कैंसिल हो गया। अब आप इसको ओपन कर ले तो ये सिक्स एक्स लॉग एक्स प्लस ये हो जाएगा थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स और ये टू एक्स, तो ये थ्री एक्स प्लस टू एक्स मिला के फाइव एक्स हो गया।
ये है आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब अगला डेरिवेटिव है डी थ्री वाई बाय डी एक्स थ्री डी डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाय डी एक्स टू, इसका डेरिवेटिव मीन्स डी डी एक्स ऑफ सिक्स एक्स लॉग एक्स प्लस फाइव एक्स। अब इसमें फिर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकेंड और 5x का सिंपली डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ सॉरी 6 बाहर ब्रैकेट x का डिफरेंशिएशन 1 log x कांस्टेंट, x कांस्टेंट log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस 5x का डिफरेंशिएशन 5। अब इस ब्रैकेट को खोल ले, x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 1। अब इसको ओपन करें, 6 log x प्लस ये है 6 इंटू 1 6 प्लस 5 11, ये आ गया आपका 11। अब आपको डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री के बाद में डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर निकालना है, तो डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर, डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर ये आएगा आपका 6 log x, तो ये 6 log x का 6 बाय x प्लस 11 का 0, 11 का 0। तो ये है, ये इस तरीके से प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव कर दिया हमने कि डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर की वैल्यू 6 बाय x है, 6 बाय x है। अब कुछ और अच्छा समझने के लिए मैं आपके पास साथ में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस शेयर करता हूं जो डिफिकल्ट है और थोड़े से अच्छे भी हैं, तो आइए उसको उन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है जो, और हमारा क्वेश्चन नंबर वो 3 बना, बाकी के सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने हैं, दो बार डिफरेंशिएट करना है, दैट्स ऑल। थर्ड 11th में जो है वाई इज इक्वल टू कुछ प्रूव करना है, 5 cos x माइनस 3 sin x दिया है और हमें प्रूव करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है आपको। तो मान लें कि इसको ये नंबर 1 है और इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन तो 5 cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस 5 sin x माइनस 3 sin x का cos x। बेहद आसान है, आप बहुत आराम से कर पाएंगे, मेरा यकीन मानिए। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप पूरे सारे केसेस देख लें, कुछ आगे के क्वेश्चंस इतने बढ़िया क्वेश्चंस हैं और इतने शानदार तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे कि आपको बहुत मज़ा आएगा। माइनस 5 साइन एक्स का होगा माइनस 5 कॉस एक्स माइनस, आप ध्यान से देखिए 3 कॉस एक्स का, इसका देखिए इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम हुआ, पहली बार डिफरेंशिएट हुआ फर्स्ट टाइम, और ये वाला जो डेरिवेटिव है ये सेकेंड टाइम है, दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो दूसरी बार डिफरेंशिएशन है इसका 5 साइन एक्स का 5 कॉस एक्स माइनस विल रिमेन एज इट इज माइनस 3, 3 बाहर आ गया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन एक्स। अब इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, तो माइनस और ये 5 cos x माइनस 3 sin x क्या बनेगा, तो 5 cos x माइनस 3 sin x y बन जाएगा, तो इसको लिख दिया माइनस y। कहाँ से लिखा हमने, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1, 1 से लिखा। यहाँ लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें, तो d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू जीरो, तो ये इसका प्रूफ हो गया।
देखा आपने कितने आसानी से हमने कर दिया, कुछ भी नहीं करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है और इसकी जगह y लिख देना है फ्रॉम 1। अगर ऐसा कर दिया तो आपका काम बना और बड़े आराम से एकदम शानदार तरीके से आपने देखा। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं लिख भी देता हूँ, एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11, जहां से थोड़ा टिपिकल काम है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर समझ लीजिए आप, इसका हमारी इसका फोर्थ क्वेश्चन है और इनका क्वेश्चन नंबर वो है 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, फाइंड d2y by dx square in terms of y alone। तो इसको लिख दें आप, y इक्वल टू cos इनवर्स को आप लिख दें cos y इज इक्वल टू x और फिर डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट जब आप करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डब्ल्यू आर टी मीन्स विद रिस्पेक्ट टू, तो cos y का हो जाएगा माइनस साइन y dy by dx इज इक्वल टू 1। अब dy by dx क्या हो गया, dy by dx हो गया 1 अपॉन माइनस साइन y, 1 अपॉन माइनस साइन y है तो ये प्लस अपॉन माइनस साइन y मीन्स कोसेक y, 1 अपॉन साइन y मीन्स कोसेक y। अब d2y by dx स्क्वायर होगा, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, ddx ऑफ dy by dx मीन्स ddx ऑफ माइनस कोसेक y, माइनस कोसेक y का हो जाएगा माइनस कोसेक y cot y और फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस कोसेक y cot y और dy by dx का वैल्यू। तो dy by dx का वैल्यू आप देख लो, dy by dx इज माइनस कोसेक y, इसको नंबर दे दो आप 1, तो यहां पे लिख दे माइनस कोसेक y, कहां से लिखा हमने, फ्रॉम 1। अब आप इसको लिख दे माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू cot y, यही आपका आंसर है। आप साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हो और आंसर इसलिए यही है क्योंकि आपको पूछा है कि फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y की टर्म्स में निकालना है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 12 था, एक्सरसाइज आपकी 5.7 है एनसीईआरटी की, और कुछ क्वेश्चन हम आगे के भी देखते हैं कि जिसमें आपको और ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सीखने को मिले। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपकी एनसीईआरटी को ही इसमें फोकस किया है कि आप हायर ऑर्डर भी समझ सकें और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी मास्टर बन सकें। तो क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है इफ 13th क्वेश्चन है लाइन से, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बनेगा 5। इफ y इज इक्वल टू 3 log x प्लस 4, सॉरी इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, then prove that x square y2 मतलब d2 y by dx square जैसे मैंने पहले कहा था आपको, plus x y1
प्लस y इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है आपको। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखें कैसे प्रूव करते हैं इसको। तो इसका सॉल्यूशन प्रूफ, y इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक मतलब आसानी से करने का अगर ट्रिक लगा देंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखिए जैसे y1 क्या होगा, माइनस 3 sin log x, y1 मतलब डिफरेंशिएशन, और log x का 1 बाय x प्लस 4 sin log x का हो जाएगा cos log x, और फिर log x का हो जाएगा 1 बाय x। अब आप y2 निकालना हो तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, या फिर एक काम भी कर सकते हो आप, इस तरह के क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ शिफ्ट कर दें। तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिनमें डिनोमिनेटर यहाँ शिफ्ट करते हैं तो आसानी से वो हो जाते हैं, और अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो थोड़ी सी टाइम लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर अपने को सीखना है तो आप मेरा इसके बाद वाला वीडियो भी देखिए जिसमें मैंने इसी तरह के क्वेश्चंस कराए हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस ट्रिकी हैं थोड़े से, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ताकि वो बच्चे का ये नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं कि इसका जो दिमाग है वो डाइवर्सिफाइड है कि नहीं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, प्रॉब्लम्स से कैसे बाहर आता है। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे तो दोस्तों इधर लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये वाला नीचे वाला दूसरा वाला सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकेंड। x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1, y1 मींस dy by dx कांस्टेंट रहेगा, प्लस x कांस्टेंट हो जाएगा और y1 का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2। आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, y1 इज dy by dx, और जब y1 का भी डिफरेंशिएशन होता है d dx ऑफ y1 तो वो बन जाता है d2y by dx स्क्वायर, उसी को कहते हैं y2, डी डी एक्स ऑफ वाई वन, वाई वन का डिफरेंशिएशन वाई टू और वाई टू का डिफरेंशिएशन वाई थ्री, इस तरह से। तो पहले वाले एक्स का वन वाई वन यानी डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट प्लस एक्स कॉन्स्टेंट वाई वन का डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स का वाई टू हो गया इज इक्वल टू माइनस थ्री कॉस लॉग एक्स, ये कॉस लॉग एक्स साइन लॉग, ये देखिए साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स, और अपॉन में आ जाएगा फिर लॉग एक्स का होगा एक्स माइनस फोर साइन लॉग एक्स, इसका हो गया अपॉन में एक्स, इस एक्स को उधर भेज दो, ये दोनों एक्स को उधर भेजे तो उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई वन एक्स स्क्वायर वाई टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स, ये आपका क्या बन गया, देखो आप ये क्या बन गया आपका, माइनस वाई बन गया, किससे, इससे, ये आपका माइनस वाई हो गया, तो ये माइनस वाई हो गया कहाँ से, तो यहाँ पे कोट कर दें आप यूजिंग वन फ्रॉम वन। अब आप इसको सिस्टमेटिकली लिख लें, इसको लिख दें एक्स स्क्वायर वाई टू, इसको लिख दें एक्स वाई वन, और माइनस वाई को उधर भेज दें तो प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड, देखिए आप हेंस प्रूव्ड। अब इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा हो, एक आप क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप खुद ट्राई करना और कॉन्फिडेंट फील करना, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। वाई इज इक्वल टू ए साइन लॉग एक्स हो, और प्रूव यही करना है, यही प्रूव करना है, और बिल्कुल सिमिलर मेथड से करना, आप तो आपको एक एनकरेजमेंट भी मिलेगा, ये खुद ट्राई करना, यही प्रूव करना है आपको, जो लिखा हुआ है उसी को प्रूव करना है आपको, और नया कुछ भी नहीं करना। ये था क्वेश्चन नंबर आपकी एनसीईआरटी बुक का 13th, इससे पहले वाला जो मैंने करा।
अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंपैरेटिवली इजी है, तो हम 14 ही कर लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर, तो हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर mx प्लस बी ई टू द पावर nx, और हमको प्रूव करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। इसके अगले वीडियोस भी हायर ऑर्डर के आप देखना, मैंने एक से एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सॉल्व कराए हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा और अपने कमेंट्स जरूर लिखें, कमेंट्स लिखें, कनेक्टेड रहें। और कनेक्टेड रहने का फायदा है कि आप उस चीज़ को परस्यू करते हैं, फिर आप बात मानते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, कनेक्टेड जरूर रहें, ये नहीं सोचें कि मेरे लिखने से क्या होगा, सर को क्या पता चलेगा, कहाँ इतना देख पाएंगे वो। तो आप मुझे लिखें, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9685698056, ये केवल स्टूडेंट्स के लिए है। दिस नंबर इज डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को ही समर्पित है। अब आइए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। y का डिफरेंस y इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको, डायरेक्ट कर देते हैं dy बाई डी एक्स, समय बचेगा, ए ई टू द पावर एम एक्स। अब पावर का होगा एम एक्स का, तो एम एक्स का हो जाएगा बच्चों m प्लस ए बी ई टू द पावर एन एक्स, फिर पावर का होगा एन एक्स का n। अब इसको आप लिख सकेंगे एम ए ई टू द पावर एम एक्स, इसको लिख दें एन बी ई टू द पावर एन एक्स, ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें एम ए बीइंग कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एम ए बाहर, ई टू द पावर एम एक्स का ई टू द पावर एम एक्स, और एम एक्स का फिर एम होगा, तो इंटू में यहां एम लिख दो, या फिर ऐसा कर देते हैं यहां पे एम स्क्वायर कर देते, एन इंटू बी ई टू द पावर एन एक्स, और ये एन एक्स का फिर एन आएगा, तो वो यहां लिख दिया एन स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां जो दिया हुआ है कि जीरो प्रूव करना है, तो नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू, अब वैल्यू देखो मैं रखता हूं फिर हम कैंसिल करेंगे, एम स्क्वायर ए ई एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स माइनस एम प्लस एन ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स ई टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई। वाई क्या है, ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स बी ई टू द पावर एन एक्स। बस अब कुछ करना नहीं है खास, अब इसको ओपन करना है और ओपन करके सब कैंसिल हो जाना है, और जैसे ही सब कैंसिल हो जाएंगे तो आपका जीरो आ जाएगा, है ना। तो आप सेल्फ भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप कॉपी लेके ट्राई कर रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं तो हम साथ साथ देखते हैं क्या होगा। देखिए पहला एम स्क्वायर ए ई एम एक्स नो चेंज प्लस एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स नो चेंज। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा वो देखिएगा आप, ये माइनस एम इससे मल्टीप्लाई होगा सबसे, दोनों से, इससे भी होगा और इससे भी होगा नीचे वाले से एम, फिर एन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एम जब इससे मल्टीप्लाई होगा ए ई एम एक्स, ओहो एक्सट्रीमली सॉरी, इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ पे आपने नोटिस कर लिया होगा, यहाँ वैल्यू इसकी एम ए ई एम एक्स है और इसकी है एन बी, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ एम, जब ये एम इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए ई एम एक्स, फिर एम उससे मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले से इससे, तो ये हो जाएगा माइनस एम एन ए ई एम एक्स,
फिर इसी तरीके से माइनस एन का नंबर आया, जो दूसरी टर्म लिखी हुई है वैल्यू, माइनस इंटू प्लस माइनस एन, एन मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एम एन ए टू द पावर एम एक्स, और माइनस एन इससे जब होगा तो ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर ए टू बी ई टू द पावर एन एक्स। अब आखिरी का ये भी मल्टीप्लीकेशन, इनको भी मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस एम एन ए टू द पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स। अब देखो कौन किससे कैंसिल हो रहा है, ये वाली टर्म इससे हो रही है। देखो एरो की इंक्लिनेशन भी कैसी रखी है, जो जिससे कैंसिल हो रहा है उसको वैसा रख दिया। ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स है, ये माइनस में है, ये ध्यान से देखिए, ये आपस में ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया पूरा। ये वाला जो था, ये वाला, ये इससे कैंसिल हो रहा है, और ये जो सब कैंसिल हो गए, आपका आंसर आ गया इज इक्वल टू जीरो। तो हमने देखा कितनी आसानी से हमने इसको प्रूव कर लिया, कोई खास बात नहीं है, जो दिया है वो करते जाएं और वैल्यूज रखते जाएंगे तो आपका आंसर 110% आएगा। इसके लिए आपको थोड़े पुराने वीडियोस देखने चाहिए मेरे, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे नहीं है तो उनको देखिएगा ज़रूर, तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। और ये काफ़ी ईजी है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत से इमीडिएटली कर देंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया भी हुआ है, इसी के ऊपर बेस्ड इसी टाइप का एक एग्जाम्पलर में, वो सॉरी एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा तो आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। आपके लिए मैं कुछ और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के वीडियो बनाऊंगा, तो आप उन्हें भी देखना ना भूलें। एक क्वेश्चन आपको मैं, आपकी बुक का 15th है, वो आप जरूर से ट्राई करिए, y इज इक्वल टू है 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x, और आपको प्रूव करना है d2y/dx² इज इक्वल टू 49y। तो ये आप खुद करके देखेंगे तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप कुछ और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के एक्सक्लूसिव वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस, मैं आपको अगली वीडियो में, मैंने अगली क्लास में, अगले वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, किसी भी प्रकार का संकोच ना करें, और उन बच्चों की मदद करें जो डिप्राइव्ड हैं, जिन लोगों को सुविधाएं कम मिल पाती हैं, तो उन स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए आप अपना हाथ बढ़ाएं और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, और विश यू ऑल द बेस्ट।